तो दोस्तों अभी हम हैं किचन में और भाभी बना रही है पकौड़ी। किस चीज की बना रहे हो भाभी? पत्ता गोभी और प्याज। पत्ता गोभी और प्याज की पकौड़ी बन रही है थोड़ी देर में। इसके लिए चटनी भी बनाएंगे और आलू भी है, आलू की भी बनेगी। हैं दिचू, दिचू हाय कर दो। हाय। हेलो थोड़ी करना, हाय हेलो करो। वो कौन है? डॉगी। हाय डॉगी, डॉगी। अच्छू पेन मार देखने की आपको कड़ी कैमरा में। ये कौन है? ये दिशु, ये कौन है? बेबी है वो। दोस्तों यहाँ पर ये चटनी की तैयारी हो चुकी है। इसमें की डाला होला, जीर, धनी, हल्दी, नमक, मिर्च, लहसुन, लहसुन, धनिया, हरा धनिया। हाँ जब बन जाएगा उसके बाद इसमें खट्टा डालेंगे। चूक डाले, चूक पकाई, पकाई चूक। और यहाँ ये देखो पकौड़ियाँ बन के तैयार है। यहाँ पे ये प्लेन वो बन रही है पकौड़ियाँ आलू की, जिसे बच्चे भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए चटनी बन के रेडी है और ये है पकौड़ियाँ। इसमें भाभी ने धनिया भी डाला है, तो मैंने आज तक मैंने जब भी मैं पकौड़ी बनाती हूँ धनिया तो नहीं डालती, तो डालती है। तो इस बार मैंने पहली बार खाई तो अच्छा लगा मुझे, और ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनी है दोस्तों। तो अभी ये भी कर दिए सर्व। तो दोस्तों ये चटनी और पकौड़ी बन के रेडी है, अब हम इसको करते हैं एंजॉय। और तो दोस्तों चटनी और पकौड़े बन के रेडी है और सब लोग, हम लोग पूरी फैमिली हमारी मिलके खा रही है। तो कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा। चटनी में तो सबकी आंखें खोल दी हैं दोस्तों। फैमिली के साथ खाने में तो और ही मजा आया। सही बात है, फैमिली के साथ खाने में तो नमकीन नमकीन चीज भी मीठी लगती है, क्यों है? राइट। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? सब। बहुत से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही मजेदार व्लॉग आपके लिए लेकर आती रहूंगी। कीप सपोर्ट, बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।